difference between fashion and style. Hi, you're Rajvi Desai. You're watching Personality Development with Rajvi. अगर मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं, जो अक्सर लोग पूछ रहते हैं कि आप फैशनेबल हो या फिर आप स्टाइलिश हो, तो आप क्या आंसर दोगे? यकीन मानिए, अगर यहाँ पे 100 लोग खड़े हैं ना, 90 लोग उनमें से ऐसे होंगे जिनको इस क्वेश्चन का क्लियर आंसर पता ही नहीं होगा. वो समझ ही नहीं पाएंगे पहले तो कि इसने पूछ क्या लिया है, एंड द सेकेंड थिंग, वो इसका जवाब नहीं दे पाएंगे बिकॉज उनके माइंड को क्लैरिटी ही नहीं है कि फैशन क्या होता है और स्टाइल क्या होता है. तो इस वीडियो में आपको फैशन के बारे में भी पता चल जाएगा, स्टाइल के बारे में भी पता चल जाएगा, प्लस आप ये भी जान पाओगे कि इनमें डिफरेंस क्या होता है. एंड इन द एंड ऑफ कोर्स आपको तो क्लियर हो ही जाना है कि आप फैशनेबल हो या फिर आप स्टाइलिश हो. तो जो फैशन होता है ना, ये बेसिकली ट्रेंड के हिसाब से चलता है. जैसे किसी एक चीज़ का आज ट्रेंड आ गया, इसके टाइम भी ऐसा रहता है कि हफ्ता दो हफ्ते चला, उसके बाद ट्रेंड जो है चेंज हो जाता है. मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रेंड चेंज हो जाता है. तो फैशन और ट्रेंड ना दोनों एक दूसरे के पैरेलल ही हैं एक हिसाब से. जैसे ट्रेंड आया, एक दो हफ्ते चला और गया, सेम फैशन का भी होता है. फैशन आया, एक दो हफ्ते चला, जिन लोगों ने फॉलो करना था उन्होंने कर लिया, और फैशन क्या है उस चीज़ का भी निकल जाता है. अब जो लोग फैशनेबल होते हैं ना, इस कैटेगरी में मोस्ट ऑफ द टाइम आम लोग नहीं आते हैं. फैशन की कैटेगरी में आते हैं जो मॉडल्स होते हैं, या जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, या एक्टर एक्ट्रेसेस, जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं, इस सब कैटेगरी में मोस्ट ऑफ द टाइम जो है यही लोग आते हैं. ऐसे आम लोग जो है ना, इस कैटेगरी में आते ही नहीं है. अब जो इंसान फैशनेबल है, क्योंकि जो फैशनेबल होते हैं ना, पहला तो उनको टाइम के हिसाब से क्या है, चेंज होना पड़ता है. जैसे अगर किसी चीज़ का फैशन आया, अब फैशन चला गया, वो जाके भी उस चीज़ को ज़्यादा देर तक जो है फॉलो नहीं कर सकते. उसको क्या है, टाइम लिमिट होती है फैशन में, और उसी के हिसाब से जो है ना उन लोगों को चलना पड़ता है. और वहीं पर जो लोग स्टाइलिश होते हैं, उनको इस ट्रेंड से कोई लेना देना होता नहीं है, ना ही उनको कोई इतना टाइम से लेना देना होता है कि हाँ इस चीज़ का जैसे फैशन आया. जो स्टाइलिश हैं वो इवन चाहें तो उसको फॉलो ना भी करें, अगर चाहें तो वो फॉलो कर भी सकते हैं. उनके पास दोनों ही चीज़ें होती हैं. जो बंदा स्टाइलिश है उसको इतना ट्रेंड के साथ लेना देना होता नहीं है. ओके, तो सेकेंड जो चीज़ है ना, कि फैशन में कम्फर्ट जोन की इतनी ज़्यादा केयर नहीं करी जाती है. अगर कोई मॉडल है या कोई इन्फ्लुएंसर है, मान लो कुछ ऐसी चीज़ का फैशन आ गया जिसमें वो कंफर्टेबल नहीं भी हैं, बट उनको क्या है, उस फैशन को फिर फॉलो करना पड़ता है. वहीं पे जो स्टाइलिश है बंदा, वो उस चीज़ को इजीली इग्नोर कर सकता है, वो अपने कंफर्ट जोन को प्रायोरिटी दे सकता है कि उसे उस चीज़ को पहनने के बाद कैसा फील हो रहा है, कंफर्टेबल फील हो भी रहा है या नहीं भी हो रहा है. देन जो स्टाइलिश है ना, वो अपने हिसाब से जो है एक तरीके से चलते हैं, उनको इतना इससे कोई जो है लेना देना होता नहीं है. अब अगर मैं अपनी पर्सनली बात करूं, तो आई एम नॉट फैशनेबल. मैं फैशनेबल नहीं हूं करंटली, मैं क्या हूं, स्टाइलिश हूं. अगर किसी चीज़ का फैशन आता भी है, मेरे को अगर अच्छा लगा तो मैं उसको अडॉप्ट कर लूँगी, चाहे फिर उसका फैशन चला भी जाए, वो चीज़ स्टिल मेरे पास रहती है और मैं क्या है उसे आगे भी जो है फॉलो कर सकती हूँ. मेरे ऊपर इतनी ज़्यादा जो है लिमिटेशंस नहीं लगाई गई हैं. अगर मैं फैशनेबल हूँ नहीं, अगर आप फैशनेबल हैं देन आपको इससे टोटली ऑपोजिट करना पड़ेगा. पीछे एक ट्रेंड आया था पिंक हेयर का, मतलब लड़कियाँ क्या थी उसमें पिंक हेयर करवाती थी ज़्यादातर लड़कियाँ. अब वो देखने में इंसान बंदरिया लगेगा लिटरली, गुलाबी बालों के साथ जो भी उसका आउटफिट रखेगा या कुछ भी, वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा. और मेरे हिसाब से उसमें ना कोई क्लास है ना कुछ है, और मेरे को वो सही नहीं लगा. पिंक हेयर, पूरे ही हेयर और डार्क पिंक और हॉट पिंक जैसे कर लेना, तो वो मेरे लेवल का नहीं था. मैंने क्या है उस चीज़ को अवॉइड करा. वैसे ही आपने भी आज तक हज़ारों ही चीज़ें अवॉइड करी होंगी जस्ट बिकॉज वो फैशन थी और आपका जो है उसके साथ अच्छा तालमेल नहीं बैठा. तो इट मीन्स आप स्टाइलिश हो. और एक अच्छा तरीका क्या है जिससे आप पता कर सकते हो कि आप क्या हो, देन सिंपली आप कहते क्या करो, अपना वार्डरोब खोलो, उसे चेक करो. उसमें जितने भी कपड़े रखे हैं, सिंपली आपको देखने से ही पता चल जाएगा कि वो ज़्यादातर फैशनेबल हैं. अगर वो कपड़े बहुत ज़्यादा फैशनेबल नहीं हैं, देन इट मीन्स आप स्टाइलिश हो, आप अपने हिसाब से चलते हो और अपनी लाइफ के हीरो एक तरीके से आप खुद ही हो. सारी चीज़ें आपके जो है हिसाब से ही आप चलते हो, इतने ज़्यादा फैशनेबल जो है आप नहीं हो. और रही बात अच्छे बुरे की, तो फैशनेबल होना ना होना ना तो अच्छा है ना बुरा है.
जिसको जिस हिसाब से ठीक लगता है वो उसी हिसाब से जो है चीज़ें करता है, उसी हिसाब से बनता है। तो अगर आप फैशनेबल हैं देन आप तब भी अच्छे हैं, अगर आप स्टाइलिश हैं देन आप तब भी अच्छे ही हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, यही थी आज की वीडियो। आपको आई थिंक अभी तक क्लियर हो चुका होगा कि आप फैशनेबल हैं या फिर आप स्टाइलिश हैं। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज इस चैनल के ऊपर जितनी भी वीडियोस अपलोड होती है ना वो आपकी पर्सनैलिटी को डिवेलप करने के लिए ही अपलोड करी जाती हैं, जिसमें आपकी इनर पर्सनैलिटी के ऊपर भी वर्क किया जाता है एंड आपकी आउटर पर्सनैलिटी के ऊपर भी वर्क किया जाता है। और आज की वीडियो जो है हमारी आउटर पर्सनैलिटी से रिलेटेड थी, क्योंकि इसमें ड्रेस सेंस आता है और ड्रेस सेंस आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ कि हमारी पर्सनैलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मोस्ट ऑफ द टाइम हमें लोग जज ही हमारे ड्रेस सेंस के हिसाब से करते हैं, हालांकि करना नहीं चाहिए बट करते हैं, इसमें हम कुछ कर नहीं सकते हैं। आई होप आपको आज जो है ये डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। और नेक्स्ट टाइम अगर आपसे कोई भी पूछे ना कि आप फैशनेबल हो या फिर आप स्टाइलिश हो, तो आप बिना सोचे एक मिनट से जो है जवाब दे सकते हो, बिकॉज आपके दिमाग को पहले ही इससे रिलेटेड क्लैरिटी है कि ये है क्या और आप क्या हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है देन क्लिक ऑन सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। सी यू टुमारो।